बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द कोर्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन एंड दिस कोर्स इज़ फ्रॉम मास्टर्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन विद एन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड द कोर्स कोड इज़ SPED 4133 एंड दिस इज़ अ 3 credit hours कोर्स। The title of today's lesson is Use of Technology in Mathematics Education. Now we'll briefly introduce myself. I am Dr. Zahida Parveen, PhD, Special Education, and currently I am working as Assistant Professor at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. Traditionally, we use different chalk and talk methods like direct methods, lecture method, while we are teaching mathematics in the classroom. But there is a time to discuss that can our chalk and talk method be able to develop the required skills? Because we have already discussed that mathematics is a subject of higher order thinking skills. ठीक है, हमें पता है कि जो मैथमेटिक्स है वो बेसिकली बाकी सारे सब्जेक्ट्स से ज़्यादा जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करता है। जैसे आपने कॉग्निटिव डोमेन उसकी पढ़ी है प्याजे की, तो उसमें जितनी भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं मैथ्स के अंदर ये एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो सारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डिवेलप करता है। लाइक जो उसमें एंड के उसके जो फर्स्ट लेवल के कॉग्निटिव डोमेन के लास्ट 3 or 4 उसके लेवल्स होते हैं, लाइक एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन। तो ये सारी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं मैथ्स इनको बखूबी डेवलप करता है मैथ्स बच्चों में। नाउ देयर इज़ अ टाइम टू डिस्कस दैट कैन आर डायरेक्ट मेथड्स और वी कैन से दैट लेक्चर मेथड्स आर एबल टू डिवेलप दीज रिक्वायर्ड स्किल्स इन आर स्टूडेंट्स। तो द आंसर इज़ नो। हाउ टू डिवेलप 21st century स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स वाइल वी आर टीचिंग मैथमेटिक्स इन द क्लासरूम। द क्वेश्चन इज़ कि हम किस तरह से, अगर हमारे जो डायरेक्ट मेथड्स हैं वो डिवेलप नहीं कर सकते हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मैथ्स को यूज़ करते हुए, तो बाकी फिर कौन सी ऐसी वेज हो सकते हैं जिनके थ्रू हम 21st century स्किल्स बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। रिसर्च सेज द सॉल्यूशन इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डिफरेंट रिसर्चेस को अगर हम रिव्यू करें तो उसका सॉल्यूशन ये देती हैं कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आप जितना ज़्यादा करेंगे इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम उतना ज़्यादा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को आप डेवलप कर सकेंगे। तो सिंपली जो रोट मेमोराइजेशन होती है मैथ्स की लेक्चर मेथड के थ्रू, जो हम बच्चों को सिर्फ इनकलकेट कर रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन है और उसका मेथड जस्ट वर्बली हम बता के उसको आंसर्स करवा रहे होते हैं उनके, तो वो मेथड इतने उस मेथड के थ्रू इतना ज़्यादा बच्चे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को अचीव नहीं कर पाते। सिंपली मैथ को तो वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर मैथ का जो गोल है, जो मैथमेटिक्स एजुकेशन का गोल है, उसको बच्चे अचीव नहीं कर पा रहे होते। सो रिसर्च हमें ये सजेस्ट करती है दैट यूज़ टेक्नोलॉजी मोर एंड मोर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। Here are few we can say that few examples that are suggesting the use of technology in mathematics education. Like here is an article titled "Adding Technology to Geometry Improves Opportunities to Learn." ठीक है, तो जितनी ज़्यादा यानी आप टेक्नोलॉजी लर्न बच्चों को करवाएंगे, इनकलकेट ऐड करवाएंगे उनकी क्लासरूम लर्निंग में, तो उतनी ज़्यादा उनकी ज्योमेट्री में जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लर्न करने की इंक्रीज़ करेंगी। तो इसी तरह से इसको पूरे को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि रिसर्च हमें सजेस्ट करती है कि जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को ऐड करेंगे अपनी क्लासरूम में उतना ज़्यादा मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी बच्चों में। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ ड्राॅइंग 20 different डायग्राम्स ऑन अ चाक बोर्ड बाई हैंड, टीचर्स कैन क्रिएट 1 diagram ऑन द कंप्यूटर एंड मैनिपुलेट इट यूजिंग द डायनामिक ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर्स एंड विदाउट एनी
सॉफ्टवेयर। सो यानी जिस तरह से आप मैथमेटिक्स एजुकेशन को टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए इजी बना सकते हैं, तो उतना किसी और सब्जेक्ट में शायद टेक्नोलॉजी का यूज़ इतना यूज़फुल नहीं है। एक और एग्जांपल है यहाँ पर लिटरेचर से, डिजिटल टीचिंग एड्स मेक मैथमेटिक्स फन। तो ये स्पेशली जो है वो स्पेशल बच्चों के लिए इसकी अपनी इम्प्लीकेशन बनती है, क्योंकि स्पेशल बच्चों को जब हम बेसिक मैथ्स करवा रहे होते हैं तो दैट इज़ टोटली अबाउट फन। जब तक उसमें फन की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तब तक बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते और ड्राई उसको लेते हैं। तो बहुत से ऐसे वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए टीचर्स जो हैं वो फ़न एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए अरेंज कर सकते हैं और उनका इंटरेस्ट जो है वो क्लासरूम में इंक्रीज़ हो सकता है। जीन प्याजे को अगर हम रिसर्च की जब हम बात करें, तो जीन प्याजे की अगर हम बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन डिज़ाइनिंग लर्निंग इन्वायरमेंट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया प्रोवाइड देम विद मोर टेंजिबल विजुअलाइजेशंस। सो टेंजिबल विजुअलाइजेशंस ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको ऐड किए बगैर टेंजिबल विजुअलाइजेशंस को अचीव करना या उसको ऐड करना वो पॉसिबल नहीं होता। तो यानी विजुअलाइजेशंस है ना, ये हम ये नहीं बात कर रहे कि टेंजिबल एक्सपीरियंसेस। तो टेंजिबल बाकी जब हम साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें टेंजिबल हमारे पास इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, लैब के इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, या फिर हमारे पास ऐसे एवियर्स मौजूद होते हैं जिनको बच्चे टेंजिबल वो होते हैं और उनको हाथ में पकड़ कर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। लेकिन मैथ्स में चूंकि सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ मैथ बेस करता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के ऊपर, तो उसको पढ़ाने के लिए जो आप टेंजिबल विजुअलाइजेशंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बच्चे के दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा यूज़फुल होंगी। इसी तरह से जो है वो टेक्नोलॉजी मेक्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ टेंजिबल विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टीचर्स कैन। ये जो हम आइडियाज़ पढ़ रहे हैं ये ब्रैनफोर्ड ब्राउन और कॉकिंग के हैं, 1999 में इन्होंने दिए थे, और इसके अलावा रोशल और डाइसेसा ने 2001 में दिए। तो ये भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को टेंजिबल में कन्वर्ट करती है। तो इस वजह से मैथमेटिक्स के अंदर टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा है मैथमेटिक्स एजुकेशन में, क्योंकि वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत से फार्मूलाज और इक्वेशंस वगैरह को वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर ले रहे होते हैं कि उनको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होता कि ये किस तरह से डेवलप हुई हैं और उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे। विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टीचर्स कैन बिल्ड अपॉन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड स्किल्स, emphasize the connections among mathematical concepts, connect abstractions to real world settings. So ये तीनों काम जो हैं वो टीचर्स ईजिली कर रहे होते हैं जब वो मैथमेटिक्स एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक तो ये है कि बच्चों का जो प्रायर नॉलेज और स्किल्स वो ऑलरेडी अचीव कर रहे होते हैं उनको कॉन्टीन्यूसली असेस करने के लिए कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, और इसके अलावा जो है वो प्रायर नॉलेज बच्चों का रिलेट करने के लिए न्यू नॉलेज के साथ टेक्नोलॉजी को करेक्टली यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बच्चों को एडिशंस के क्वेश्चंस करा रहे हैं विद कैरी, तो उसका प्रीवियस नॉलेज बनता है हमारे पास विद क्वेश्चंस ऑफ एडिशंस विदाउट कैरी। तो आप विदाउट कैरी के साथ जो है क्विकली आप बच्चों को रिव्यू करवाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप दोबारा से बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए उनको कोई एक्सरसाइज करवाने बैठ जाएंगे या कुछ क्वेश्चंस करवाने बैठ जाएंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा बच्चों के लिए मैथ्स का। तो इस वजह से जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इस तरह के सिंपल एडिशंस के क्वेश्चंस बच्चों को करवाएंगे जिसमें कुछ फ़न एक्टिविटीज़ हों, जिससे कोई भी स्नेक टाइप बना हुआ है या कोई भी बहुत सी फ़न एक्टिविटीज़ मैथ्स के लिए यूज़ होती हैं, तो उनको या पज़ल्स होते हैं तो पज़ल्स को सॉल्व करते हुए बच्चे जब प्रीवियस नॉलेज जो है उसको अपना रिवाइज़ कर रहे होते हैं। इस तरह से एम्फसाइज द कनेक्शंस अमंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो एक तो ये कनेक्शन पहले हमने बात की है प्रायर नॉलेज और न्यू नॉलेज के कॉन्सेप्ट कनेक्शन की, कि उसको ईजिली कनेक्ट किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के विद इन अ लेक्चर, जब एक ही लेक्चर के अंदर आप पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें बहुत से कनेक्शंस बिल्ड अपॉन हो रहे होते हैं
और उन कनेक्शंस को भी ज़्यादा अच्छा आप कनेक्ट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। कनेक्ट एब्स्ट्रैक्शंस टू रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, तो ये एक गैप जो बच्चे फील करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं और उनकी रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में कहाँ पर उनकी प्लेसमेंट होती है और प्रैक्टिकल कहाँ पर मैथ्स का यूज़ हो रहा है, तो इन दोनों चीज़ों को भी कनेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल्स इज द मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग। सो मेजर गोल शुड बी लाइक कि आप जो भी बच्चे की थिंकिंग है ओवरऑल, जो कुछ भी वो सोच रहा है, उसको मैथमेटाइज कर दें। मैथमेटाइज एक ऐसी टर्म है जिसमें बच्चे जो हैं वो कोई भी कॉन्सेप्ट जब लर्न कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो इन द सोच रहे हैं उसको सोच रहे होते हैं इन द मैथमेटिकल परस्पेक्टिव, ठीक है, कैलकुलेशंस की फॉर्म में। तो जो भी बच्चे की थिंकिंग है जब वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाती हैं, हर चीज़ को वो मैथ्स की नज़र से देखना शुरू हो जाता है, तो बेसिक गोल मैथमेटिक्स एजुकेशन का यही है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अब मैथमेटाइज करें अपनी थिंकिंग को। तो जो मैथ्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जब अपनी थिंकिंग को जब वो थिंक कर रहे होते हैं। तो थिंकिंग एबिलिटीज़ जब बच्चों की डेवलप हम कर रहे होते हैं तो उसके साथ ही हमने ये बच्चों के अंदर डेवलप करनी होती है हैबिट के जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा आपकी क्लास में आपके जो थिंकिंग है उसमें मौजूद होती है। सिर्फ उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि किस तरह से मैथ हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है और हमारी डेली लाइफ जो थिंकिंग होती है उसमें मैथ्स के कितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स डेली बेसिस पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स न्यू वेज ऑफ लर्निंग एंड हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इसका बेसिक जो है वो फोकस थिंकिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि जो बेसिक जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो यही है कि ये थिंकिंग को फोकस करती है। तो जितनी ज़्यादा स्कैटर्ड थिंकिंग होती है बच्चों की, उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए तो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा क्लास में यूज़ हो रही होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बच्चों के साथ कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो कैलकुलेटर यूज़ करते हुए जब आप अगर आप कैलकुलेटर यूज़ ना कर रहे हो तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर अपने जो सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं उनमें वो फंसे रहेंगे, इंडल्ज रहेंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, और बजाय इसके कि वो अपनी थिंकिंग को इधर उधर यूज़ करें, और लाइक अगर आप एडिशंस कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं तो उसमें वो मल्टीप्लिकेशंस में टेबल्स को रिवाइज़ करने की बजाय, क्योंकि उन्हें टेबल्स रिवाइज़ करने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे अगर उन्होंने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इन द क्वाइट हायर ग्रेड क्लासेस, ठीक है, तो वो उनको उन रिविजन्स में जाने की बजाय डायरेक्ट अगर वो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होंगे तो वो ईजी हो जाएगा और उनको उनकी स्कैटर्ड थिंकिंग नहीं रहेगी, उन्हें कुछ और नहीं सोचना पड़ेगा, कोई और स्किल्स जो हैं उनको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को। तो इस तरह से इसमें इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की भी हो रही होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि टीचर जो है वो वन साइडेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और बच्चों को सिर्फ बताता जा रहा है कि आपने मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, बल्कि ये प्रैक्टिकल होता है और ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चे खुद टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी दिए जा रहे होते हैं जो कि वो उन्होंने कैलकुलेटर या जो कंप्यूटर है या कंप्यूटर के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना होता है हायर क्लासेस में। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है बेसिकली हम उसको भी इन्हेंस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट नॉलेज। क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है तो इस प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ बच्चे बहुत से कॉन्सेप्ट्स को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है बच्चों का, जो कि सिंपली जब हम लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं तो उस तरह से कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे होते। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी उसको फोकस कर रही होती है, और टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे जो हैं वो डिफरेंट मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं।
अगेन यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल सिंपल लोअर ग्रेड से दूंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत हायर लेवल का मैथ नहीं कर रहे होते. तो अगर आप एडिशन के क्वेश्चंस ले रहे हैं या माइनस के सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस ले रहे हैं तो उसमें बहुत सी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो अगर कुछ डिफरेंट वीडियोस को यूज़ करते हुए आप क्लास में आपने सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर किया है बच्चों को, तो उस उन वीडियोस को देखते हुए बच्चे जब अपना एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो बड़ा कंफर्टेबली उसको डेवलप कर लेते हैं, और बाद में उसको यूज़ करने के लिए भी वो उनका लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है. बार बार आपको उनको नहीं समझाना पड़ेगा हर क्वेश्चन को माइनस का. अगर आप क्वेश्चन करवा रहे हैं तो हर क्वेश्चन करवाते हुए आपको उनको दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो वो कंप्यूटर के ऊपर या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कर चुके हैं तो उसके थ्रू उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट हो चुका है. और जब एक कंस्ट्रक्शन एक आइडिया की बहुत अच्छी हो जाती है तो उसके बाद उसको यूज़ करना काफ़ी बच्चों के लिए इजी हो जाता है. और लास्टली जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो इन्हेंस कर रहा है इन डेवलपिंग 21st सेंचुरी स्किल्स. जितनी भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइक लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम बात करते हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं उसमें बहुत प्रायोरिटी पर होती है. तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग डेवलप करता है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है. इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो जितनी जो चीज़ें भी लर्न कर रहे होते हैं वो लाइफ लॉन्ग टर्म्स में यूज़ कर रहे होते हैं और उनको अच्छी तरीके से वो लर्न कर रहे होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स. तो डिफरेंट टूल्स बेसिक जो हैं यहाँ पर 4 डिस्कस हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज़. सेकेंड इज़ कोलेबोरेशन. थर्ड इज़ प्रेजेंटेशन. एंड फोर्थ वन इज़ एवेल्युएशन. सो ये 4 जो हैं ये टूल्स हैं टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स के. एंड हाउ टेक्नोलॉजी इज़ एम्बेडेड इन दीज 4 लर्निंग टूल्स. फर्स्ट वन इज़ लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज़. तो एक तो ये है कि जब आप बच्चों को क्लास में टेक्नोलॉजी यूज़ करवा रहे होते हैं मैथ्स की क्लास में तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हैं. मैथ्स से हट के भी उनको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जो है वो आ रहा होता है. और वो किस तरह से आ रहा होता है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं क्लास में. अगर टीचर जो है वो डिफरेंट मैथमेटिक्स की वेबसाइट्स को सर्च करके उनको क्लासरूम में यूज़ करवा रहा है तो उसमें इनडायरेक्टली बच्चों को ये भी पता चल रहा होता है कि किस तरह से मैथ्स की वेबसाइट्स जो हैं वो लर्निंग में हमारी हेल्प कर रही हैं. वो कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जो मैथ्स में हमें ज़्यादा हेल्प कर रही हैं. तो इस तरह से बच्चे को जो टेक्नोलॉजी यूज़ है वो भी लर्न कर रहा होता है. डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स टीचर्स क्लास में यूज़ करते हैं. वीडियोज़ जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा दिखा रहे होते हैं डेली बेसिस पर पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ, जब आप ईमेल्स के ऊपर कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, चैट है, एसएमएस है आजकल जो फॉर एग्जांपल जैसे हम हायर क्लासेस में तो यूज़ होते हैं ये सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन लोअर लेवल की जो क्लासेस होती हैं लोअर ग्रेड्स जो होते हैं उनके अंदर भी अगर टीचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा और बच्चे जो हैं उनको टेक्नोलॉजी यूज़ एफिशिएंट भी वो हो जाएंगे. सेकेंड टूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स इज़ कोलैबोरेशन. तो टेक्नोलॉजी की ऐसी बहुत सी साइड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए टीचर्स कोलैबोरेशन डेवलप कर रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर. फॉर एग्जांपल वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, स्कूल्स ऑनलाइन, विकी, ब्लॉग्स. तो ये सारी चीज़ें जब आप विकिपीडिया है, ब्लॉग्स हैं, ये चीज़ें जब आप क्लास में यूज़ कर रहे होते हैं. और इसके अलावा जो है जैसे कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के फेज़ में ग्रेड टू ग्रेड वेरी करते हैं. उनका डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेड टू ग्रेड इंक्रीज़ होता जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ज्योमेट्री शेप्स स्टार्ट करवाई हैं तो वो जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर भी ज्योमेट्री की शेप्स स्टार्ट करवा दी जाती हैं, लाइक क्लास 1 में जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं क्लास 2 में उसी की कॉन्टीन्यूएशन, क्लास 3, 4, 5 में उसी की कॉन्टीन्यूएशन चलती जाती हैं. तो अगर कुछ ऐसे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्लासेस में ग्रेड्स में बहुत थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ सेम होते हैं तो उसमें डिफरेंट क्लासेस को एट अ टाइम इंगेज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेब कॉन्फ्रेंसिंग जिसे हम कह रहे हैं वो यूज़ की जा सकती हैं. ऐसी टेक्निक्स जिसमें एक ही यानी कॉन्फ्रेंसेस में बच्चे डिफरेंट क्लासेस के बैठकर इकट्ठा काम कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि ये सेम टॉपिक आज चल रहा है और उसका फ़ायदा ये होता है कि एक ही टीचर डिफरेंट क्लासेस को इंगेज कर रहा होता है. तो इस तरह से बच्चों में, टीचर्स में उनकी कोलैबोरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा अच्छी डिवेलप हो रही होती है.
थर्ड टूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस जब डिफरेंट टीचर्स की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से हो रही होती हैं तो उसमें टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कौन से टूल्स टेक्नोलॉजी के यूज़ हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, लाइक इंटरेक्टिव बोर्ड्स, डिजिटल टेलीविजन, डिजिटल कैमरा, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, ई बुक्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंटली टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस को बेटर करने के लिए इन सारे टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और इस तरह से जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट मैथमेटिक्स की क्लासरूम में होता है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है। बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस बड़ी लाइव प्रेजेंटेशंस हो रही होती हैं जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। आप खुद देख सकते हैं अपनी क्लासेस में भी इवन कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ वर्बली अगर आपने खड़े होकर बोलना हो तो वो प्रेजेंटेशन किस तरह की होगी, इंस्टेड अगर आप पावर पॉइंट यूज़ करें, पावर पॉइंट यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सा उसका बच्चों का इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज़ कर रहा हो जाएगा। पावर पॉइंट से भी आगे अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वीडियोस अरेंज की हुई हैं, इंटरेक्टिव वीडियोस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करते हुए बच्चे बाद में उनको अपने डिस्कशन में टेक पार्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ आप बढ़ाते जाएंगे प्रेजेंटेशंस में उतना ज़्यादा जो है वो ये प्रेजेंटेशंस जो इनका एनवायरनमेंट है वो बड़ा इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होता जाएगा। लास्ट टूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स इज़ इवेलुएशन। टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा टीचिंग में यूज़ होती है उतनी ही प्रोपोर्शनलिटली इवेलुएशन में भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप टीचिंग और लर्निंग के जो प्रोसेस है उसमें तो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं लेकिन जब आप इवेलुएशन पर आते हैं तो आप टिपिकल जो मेथड्स हैं इवेलुएशन के सिर्फ उनको यूज़ कर रहे हो। क्योंकि बच्चों ने अगर पढ़ा जो है, अगर पढ़ा बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो ऑनलाइन कह लें या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स गेन किए हैं, तो फिर उनकी इवेलुएशन के लिए भी आपको किसी हद तक जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी। तो इवेलुएशन के लिए जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो डिफरेंट वेबसाइट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्कैनर्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपने टेस्ट डेवलप किया है तो उसको आप स्कैन कर लेते हैं बच्चों के लिए ताकि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व कर सकें। इसी तरह इवेलुएशन में प्रिंटर, अगर आपने प्रिंट आउट्स भी निकालने होते हैं प्रिंटेड फॉर्म में भी अगर आपने इवेलुएशन लेनी हो तो उसके लिए जब आप प्रिंट्स लेते हैं तो प्रिंटर यूज़ हो रहा होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे होते हैं इवेलुएशन के लिए। रूब्रिक्स डेवलप हम करते हैं कि रूब्रिक्स में आपने असेसमेंट में पढ़ा होगा कि ये क्या चीज़ होती है। इसके अलावा सर्वेज वगैरह डिफरेंट डेवलप करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। सो दीज वर द फोर टूल्स विच कैन बी यूज इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज़, कोलेबोरेशन, प्रेजेंटेशन एंड फाइनली इवेलुएशन। नेक्स्ट ये एक जनरल सी डिस्कशन है, जनरल स्लाइड है, इसको आपको लर्न नहीं करना, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स कैन बी एक्सेस्ड फॉर मैथमेटिक्स। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि मैथ्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं तो बड़ी लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड नहीं होती। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो कि मैथमेटिक्स की डिफरेंट जिस तरह की भी, जिस लेवल की भी, जिस ग्रेड लेवल का मैथ्स आप करवा रहे होते हैं उसके लिए हर तरह की वेबसाइट्स और इंटरनेट के ऊपर मटेरियल मौजूद है। डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स से लेकर हर जो सॉफ्टवेयर्स, बहुत से सॉफ्टवेयर्स यूज़ जो हैं वो वहाँ तक हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। फाइनली वी विल डिस्कस हाउ कैन अ टीचर यूज़ वेबसाइट्स फॉर टीचिंग। ठीक है, तो जी टीचिंग में किस तरह से टीचर्स जो हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को। तो टीचिंग में जैसे एक सीरीज, टीचिंग इज़ अ सीरीज़ ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। तो टीचर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, हर जो एक्टिविटी है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ डिफरेंट होता जाता है। लाइक मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए टीचर्स जो हैं वो सिलेबस, ई बुक्स, सैम्पल क्वेश्चंस, लेसन प्लान्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। जैसे सिलेबस हैं, ई बुक्स वगैरह हैं, ई बुक्स में से आप डिफरेंट एग्जांपल्स जो मैथ की टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए उन डिफरेंट ई बुक्स को यूज़ करते हुए मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं उनको क्लासरूम में ऐड किया जा सकता है।
सैम्पल क्वेश्चंस रिट्रीव करने के लिए भी जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह मेथड्स ऑफ टीचिंग डिफरेंट टॉपिक्स के लिए कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो इन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए भी टीचर जो हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। लेसन प्लान्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि लेसन प्लान्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ टीचर ने प्लान करनी होती हैं तो वो कैसे डिसाइड करनी है, किस तरह से उनके आइडियाज़ लेने के लिए, वर्कशीट्स बनाने के लिए, फ्लैश कार्ड्स बनाने के लिए, सिंपल जो मैथ्स की क्लासेज होती हैं उसके लिए, एवियड्स डिवेलप करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी टीचर यूज़ कर सकता है। तो ये प्लानिंग के फेज़ की हमने बात की है, बिफ़ोर टीचिंग, ठीक है। तो बिफ़ोर टीचिंग जो है वो टीचर किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रिपेयर कर सकता है अपने आप को फॉर द फर्दर क्लासरूम टीचिंग। नेक्स्ट जो है वो मल्टीमीडिया यूज़ है, यानी क्लासरूम के अंदर जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें वीडियोज़, एनिमेशंस, कंप्यूटर यूज़ जब आप बेसिकली कर रहे होते हैं तो उसमें हर तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ टीचर कर सकता है मैक्सिमम जब वो पढ़ा रहा होता है। नेक्स्ट है कि जब वो उसने कॉन्सेप्ट टीच कर लिया है तो उसके बाद डिफरेंट इवेलुएशन टूल्स मौजूद हैं जिनको टेक्नोलॉजी के थ्रू रिट्रीव किया जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है। लाइक डिफरेंट रूब्रिक्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है कि जो बच्चे हैं उन्होंने किस किस चीज़ को लर्न कर लिया है, कैसे कर लिया है, तो डिफरेंट रूब्रिक्स डेवलप किए जा सकते हैं। सर्वे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, क्विजेस डेवलप किए जा सकते हैं, वेबसाइट्स को यूज़ करके डिफरेंट अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो अनसीन क्वेश्चंस देने के लिए, मैथमेटिक्स के डिफरेंट क्विजेस डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। इंटरैक्ट एंड फीडबैक, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, उनको फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, या जैसे अगर हमने बात करे थे कि जो व्हाट्सएप वगैरह है, ईमेल्स हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो इवेलुएशन का जो स्टेज होती है टीचिंग में, उसमें भी काफ़ी अप्रोप्रिएटली टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है और एफिशिएंटली उसका अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। लास्ट वन इज़ रिक्रिएशंस। रिक्रिएशंस में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, लाइक पज़ल्स अगर आपने डिवेलप करने हैं, रिडल्स डिवेलप करने हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल गेम्स चूज़ करनी हो या डिवेलप करनी हो, कंस्ट्रक्ट करनी हो डिफरेंट गेम्स, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए टीचर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं डिफरेंट गेम्स, मैथमेटिकल गेम्स को मैथ्स की क्लासरूम में। तो ये वो फोर स्टेप्स हैं जिनमें ज़्यादा एफिशिएंटली मैथ्स की जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो टीचर्स यूज़ कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा होता है, जब मल्टीमीडिया आपने क्लासरूम में यूज़ करना होता है तो उसमें भी डिफरेंट फॉर्म्स में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है। उसके बाद जब आप इवेलुएशन कर रहे होते हैं टीचर्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। और अगेन बहुत से एवियर्स डेवलप करने के लिए, रिक्रिएशंस डेवलप करने के लिए टीचर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैथ्स में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स, एंड सो फॉर इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट लिटरेचर सपोर्ट्स यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स। तो कभी भी टीचर्स जो हैं वो लेम एक्सक्यूजेज़ ये नहीं दे सकते कि मैथ्स में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि रिसर्च किस तरह से सजेस्ट करती है कि डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इन्हेंस करता है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कवर करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। डिफरेंट रिसर्चर्स की हमने बात देखी है कि वो भी कैसे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि प्रायर नॉलेज को इनकलकेट करना हो, डिफरेंट कनेक्शंस को डेवलप करना हो, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को टेंजिबल में कन्वर्ट करना हो, तो डिफरेंट तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते रहते हैं। तो सो 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं उनको उसमें मैथमेटाइज करने के लिए, बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को मैथमेटाइज कर देना ही टेक्नोलॉजी के यूज़ के थ्रू हो सकता है। फिर हमने डिफरेंट गोल्स देखे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ देखा है कि वो कैसे थिंकिंग को फोकस कर रहा होता है, इंटीग्रेट करता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को, कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज में, नॉलेज को 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करता है। फिर हमने डिफरेंट फोर टूल्स जो हैं उनको देखा है कि वो कैसे टेक्नोलॉजी उनमें हेल्प कर रही होती है, कि लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज़, बच्चे साथ साथ टेक्नोलॉजी यूज़ भी लर्न कर रहे होते हैं, कोलैबोरेट भी कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशंस में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं, इवैल्यूएशंस में यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमने देखा है कि
मैथ्स इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी अनगिनत वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं जो कि मैथमेटिक्स टीचिंग में टीचर्स को हेल्प कर सकती हैं। और फिर फाइनली जो है हमने डिस्कस किया कि किस तरह से टीचर्स जो हैं वो वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं टीचिंग में। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के लिए जब वो मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, फिर जब टीचर्स इवेलुएशन कर रहे होते हैं, और फाइनली रिक्रिएशंस के प्रोसेस में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत इन्हेंस किया जा सकता है। सो जब हमने देखा कि मैथमेटिक्स में टेक्नोलॉजी यूज़ जो है वो एफिशिएंटली कंट्रीब्यूट करता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में, और बच्चों को रोट मेमोराइजेशन से बचाता है, प्रैक्टिकल बच्चों को प्रोवाइड करता है, और जब वो लर्न करते हैं जो कॉन्सेप्ट वो लाइफ लॉन्ग लर्न करते हैं, और कहीं पर भी उनको बाद में लाइफ में उन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो, कहीं पर भी वो अप्लाई हो रहे हों, तो वो फिर रोट मेमोराइज़ किया हुआ चूँकि भूल चुका होता है, उसको रिट्रीव करना पॉसिबल नहीं होता। तो प्रैक्टिकली जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चे उनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं, तो फिर वो लाइफ में कभी भी जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो ईज़िली उस कॉन्सेप्ट को रिट्रीव कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।